हाँ जी, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से हम फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर्स हैं कंप्यूटर साइंस के, उसको हम स्टार्ट करते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्ली इन द क्लास, वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक्स लैन वैन एंड मैन। हमने पहले जो आपकी नेटवर्क की टाइप्स हैं, लैन वैन और मैन, उसको पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क या आपके सिर्फ नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर आपका जो नेटवर्क बनता है, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क डज नॉट यूज़ टेलीफोन नेटवर्क, कहते हैं जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है वो आपके टेलीफोन नेटवर्क को इस्तेमाल नहीं करता। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क आर एज फॉलोज, आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क के लैन के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया इज यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। कम्युनिकेशन मीडिया क्या करता है कि आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। लो कॉस्ट लैंस आर कनेक्टेड विद ट्विस्टेड पेयर। ओके, लो कॉस्ट लैन मतलब ऐसी लैन जिनमें आपकी स्पीड ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती, इसमें आप ये नहीं चाह रहे होते कि आपकी डाटा ट्रांसमिशन स्पीड अच्छी हो, ठीक है। तो जो लो कॉस्ट लैन है उनमें आपकी जो कंप्यूटर होते हैं वो ट्विस्टेड पेयर के जरिए कनेक्ट होते हैं। मैनी लैन यूज कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। और कई जो लैन हैं, ज़्यादातर तो जो लैन है वो आपकी कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करती हैं, ठीक है। अच्छा, कोएक्सियल केबल आपकी वो केबल होती है जो आपकी जो केबल टीवी के साथ होती है ना, जो आप केबल लगवाते हैं, ठीक है, घर में, उसके साथ जो आपकी केबल यूज होती है उसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। और फाइबर ऑप्टिक्स आपकी जो है एक शीशे की केबल होती है, शीशे की नाली जो होती है आपके बाल की तरह बारीक, इसमें आपका जो डाटा है वो लाइट की मदद से ट्रेवल करता है। दीज केबल्स आर एक्सपेंसिव बट प्रोवाइडर फास्टर कम्युनिकेशन। कहता है ये जो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स है या कोएक्सियल केबल है, ये महंगी तो है लेकिन इसके में जो डाटा ट्रांसमिट करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा आती हैं। सम लैंस यूज वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। कुछ जो लैंस हैं वो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके रेडियो सिग्नल्स हो गए, ठीक है, आपकी सैटेलाइट्स वगैरह होगी जिसमें वायर यूज नहीं होती। इट यूजेज इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स टू कनेक्ट कंप्यूटर। ये आपकी इंफ्रारेड या रेडियो वेव को इस्तेमाल करता है कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। वायरलेस नेटवर्क आर ईजी टू सेटअप एंड मेंटेन। कहता है जो आपका वायरलेस नेटवर्क है उनको सेटअप करना, उनको बनाना या मेंटेन करना वो आसान होता है। हाउएवर, ताहम, दे हैव लो ट्रांसमिशन रेट्स एंड लिमिटेड डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइस। कहता है अगरचे उनको बनाना या सेटअप करना आसान होता है लेकिन जो उनका ट्रांसमिशन रेट होता है, मीन कि उनके जो डाटा सेंड करने की स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, एंड लिमिटेड डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइस, और जो दो कम्युनिकेशन डिवाइस के दरमियान डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है वो भी कम होता है। जी, आपके नेटवर्क का जो दूसरा कंपोनेंट है उसका नाम है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इट इज़ आल्सो नोन एज लैन अडाप्टर। इसको लैन अडाप्टर भी कहते हैं या लोकल एरिया नेटवर्क अडाप्टर भी। इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। ये आपके कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड इंस्टॉल्ड ऑन द मदर बोर्ड। ये आपका एक सर्किट बोर्ड होता है, एक सर्किट बना होता है जो आपके मदर बोर्ड पर इंस्टॉल होता है। मदर बोर्ड कंप्यूटर का वही होता है जहाँ आपकी रैम अटैच होती है, ठीक है, आपका CPU लगा होता है, आपके जो हार्ड डिस्क की जो कनेक्टर्स है उसमें कनेक्ट किए जाते हैं। नाउअडेज इन दिनों मोस्ट कंप्यूटर हैव अ नेटवर्क कार्ड बिल्ट इन टू द मदरबोर्ड। कहते जो इन दिनों आजकल जो ज़्यादातर कंप्यूटर हैं उनका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो बिल्ट इन होता है, यानी पहले से मदरबोर्ड पर मौजूद होता है। ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क मस्ट हैव नेटवर्क कार्ड। वो कहते हैं हर जो कंप्यूटर जो नेटवर्क को इस्तेमाल करना चाहता है या जो नेटवर्क पर होता है उसके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना ज़रूरी है। डिफरेंस डिफरेंस टाइप ऑफ नेटवर्क कार्ड्स आर अवेलेबल। कहते हैं नेटवर्क कार्ड की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं। वायरलेस नेटवर्क कार्ड हैव एन एंटीना दैट सेंड्स एंड रिसीव डाटा। कहता है जो आपका वायरलेस नेटवर्क कार्ड है जिसके साथ वायर नहीं होती,
उसके पास एक एंटीना होता है जिसकी मदद से वो डाटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। अरे जी, उसके बाद आपकी बारी आती है ब्रिज। ठीक है, अच्छा ब्रिज का आपको मैंने पहले भी बताया कि ब्रिज क्या होता है। ब्रिज एक आपकी डिवाइस है, ठीक है, जो कि आपकी दो लाइंस को क्या करती है, आपस में कनेक्ट करती है। तो ब्रिज के लिए हम पढ़ेंगे इसको जी, ब्रिज इज अ डिवाइस। ब्रिज क्या आपकी एक डिवाइस है दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क सेगमेंट, जो आपके दो नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, वो नेटवर्क सेगमेंट्स मतलब नेटवर्क के हिस्से। ठीक है, इट इज यूज टू कनेक्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये आपके जो एसेट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करती है जिनकी टाइप सेम हो, यानी ये दो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। व्हेन अ ब्रिज रिसीव अ सिग्नल, जब कोई भी ब्रिज एक सिग्नल रिसीव करती है, इट डिटरमाइंस द सेगमेंट वेयर दैट सिग्नल शुड बी सेंट। यानी जैसे कि ब्रिज के पास कोई सिग्नल जाता है, ये उस सेगमेंट को डिटरमाइन करती है जहाँ वो सिग्नल इसने भेजना होता है। इट रीड द एड्रेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर। ये जो जो आपका सेंड करने वाला कंप्यूटर होता है और जिसको इसने भेजना होता है, उसको चेक करता है जो कि मैसेज के साथ आता है। मतलब आप मैसेज भेजते हैं ना ब्रिज को, तो मैसेज के साथ आप सेंडिंग एड्रेस, सेंडिंग कंप्यूटर का भी एड्रेस होता है और रिसीविंग कंप्यूटर का भी एड्रेस होता है। ये क्या करता है कि ये सेंडिंग और रिसीविंग कंप्यूटर के एड्रेस को पढ़ता है। इफ बोथ कंप्यूटर आर इन द सेम सेगमेंट, अगर जो दोनों कंप्यूटर हैं वो एक ही सेगमेंट से बिलोंग कर रहे हो, यानी एक ही नेटवर्क के हिस्से से बिलोंग कर रहे हो, ब्रिज डज नॉट पास द सिग्नल टू द अदर सेगमेंट। ब्रिज जो है वो किसी दूसरे सेगमेंट को सिग्नल नहीं पास करता। इट रिड्यूसेस नेटवर्क ट्रैफिक एंड इंक्रीज नेटवर्क परफॉर्मेंस। ये आपके जो नेटवर्क ट्रैफिक है, यानी जो आपके डाटा का वॉल्यूम है, उसको कम करता है एंड इंक्रीज नेटवर्क परफॉर्मेंस, और नेटवर्क की वर्किंग को अच्छा बनाता है। जी, उसके बाद हमारे पास जो डिवाइस का नाम है वो है राउटर। राउटर इज अ डिवाइस डेट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क यूजिंग सिमिलर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल। कहता है कि राउटर क्या है, ये आपकी डिवाइस है, ये उन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करती है जिनके प्रोटोकॉल सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंस भी हो सकते हैं। प्रोटोकॉल आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि दोनों कंप्यूटर, जो कि अगर आपने दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है, यानी आप दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो दोनों कंप्यूटर के पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। यानी वो कौन सा मीडियम यूज़ करेंगे, उनकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, ठीक है, डाटा को ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। अजान ब्रेक। ओके जी, राउटर क्या है, आपकी डिवाइस है एक, जो कि उन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने की यूज़ होती है, जो कि जिनके प्रोटोकॉल सेम भी हो सकते हैं या एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। इट मैनेज द बेस्ट राउट बिटवीन टू कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये दो कम्युनिकेशन नेटवर्क के दरमियान जो बेस्ट है, मतलब बेस्ट से मुराद ये जिस बात को यूज़ करते हुए आपकी जो टाइम है वो कम से कम लगे, आपकी स्पीड अच्छी हो, ये फिर क्या करती है कि ये खुद जो एफिशिएंट पाथ है उसको क्या करती है, सिलेक्ट करती है। राउटर आर यूज व्हेन सेवरल नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर। क्या है, राउटर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके कई तरह के, यानी मल्टीपल नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी मल्टीपल लैन आपस में कनेक्ट है, वैन है, मैन है। ठीक है, दे कैन कनेक्ट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये क्या कर सकते हैं कि जो मुख्तलिफ ममालिक के नेटवर्क हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। दे ट्रांसफर डाटा इन लेस टाइम। ये राउटर, क्योंकि राउटर की वो बेस्ट राउट फाइन कर लेता है, इसलिए इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये आपका जो डाटा है वो बहुत ही कम टाइम में ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद बारी आती है गेटवे की। गेटवे इज़ अ डिवाइस डैट कनेक्ट्स टू आर मोर नेटवर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। कहते हैं कि गेटवे क्या, ये भी एक आपकी डिवाइस है जो ये दो या दो से ज़्यादा जो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करती है जिनके जो प्रोटोकॉल हों वो डिफरेंट हों। ठीक है, जैसे कि राउटर हैं वो दोनों को कनेक्ट करती है जिनके सेम ही प्रोटोकॉल हैं, डिफरेंट भी हो, लेकिन जो गेटवे है उन डिवाइसेस को, उन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करती है जिनके प्रोटोकॉल मुख्तलिफ हों। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिक्वायर ए गेटवे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कहते हैं जो दो मुख्तलिफ किस्म के जो नेटवर्क को गेटवे की ज़रूरत होती है अगर वो एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहें या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहें। इट रिसीव्स डाटा फ्राम वन कंप्यूटर, वन इट रिसीव डाटा फ्राम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट्स इट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ अनदर नेटवर्क। ठीक है, ये क्या करता है कि एक कंप्यूटर से, जो एक नेटवर्क से ये डाटा रिसीव करता है,
और जो दूसरे नेटवर्क की प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ये क्या कर देता है, उसे कन्वर्ट कर देता है। ओके जी। अच्छा, इट रिसीव डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट इट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ अदर नेटवर्क। अब फिर अजान और ये एक मिनट स्टॉप। अच्छा, गेटवे आपका क्या करता है कि ये एक नेटवर्क से डाटा रिसीव करता है और दूसरे नेटवर्क को जिसको को इसने भेजना होता है उसकी प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको ये कन्वर्ट करके भेज देता है। मतलब अगर आपके पास इसको सिंपल कहने की दो पर्सन है, एक को इंग्लिश आती है और दूसरे को चाइनीज आती है, ठीक है, तो एक बंदा हमारे पास थर्ड वो ट्रांसलेटर है, ठीक है, उसको एज ए गेटवे हम कहेंगे, जिसको इंग्लिश और चाइनीज दोनों आते हैं, ठीक है। इंग्लिश जिसको एक पर्सन जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में जो भी उसने कोई पैगाम भेजना है चाइनीज वाले को तो इंग्लिश में लिख कर वो भेज देगा ट्रांसलेटर, जो कि एज ए गेटवे यूज होगा, फिर उसको भेजेगा। तो ठीक है, तो ट्रांसलेटर ने उसके क्या करना है, उसके इंग्लिश को किस में कन्वर्ट कर देना है, चाइनीज़ में। और चाइनीज़ क्या मतलब सेकंड वाला पर्सन जिसके मुताबिक हमने जिसको हमने डाटा भेजना है। तो गेटवे का भी यही काम है, ये एक नेटवर्क से डाटा रिसीव करता है और जिस कंप्यूटर को इसमें डाटा भेजना होता है उसके प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको ट्रांसलेट करके ये क्या कर देता है, भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल, द कंप्यूटर ऑन अलायंस रिक्वायर गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट। जैसे कि अगर आपने कोई भी कंप्यूटर जो कि लैन को यूज़ कर रहा है उसको आपने इंटरनेट को इंटरनेट से रसाई हासिल करनी, यानी इंटरनेट को आप एक्सेस करना है, तो क्या आप यूज़ करेंगे, तो आप लैन यूज़ करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने पढ़े थे कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो सब बच्चों ने ये लेक्चर सुनना है। सुनने के बाद जिस जिसने भी ये लेक्चर सुनना है उसने कमेंट में उसका आए यस सर आई हैव लिसन द लेक्चर, या ओनली ये आ जाए कि यस, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि इतने बच्चे जो है लेक्चर को सुन रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।